सीरिया में एक बार फिर से गृहयुद्ध छिड़ने की आशंका के बीच उन हथियारों की भी चर्चा होने लगी जिनके इस्तेमाल से सीरिया में सही गलत की बहस छिड़ दी गई। सीरिया में जंगी घमासान छिड़ने के साथ केमिकल वेपन फिर से सुर्खियों में है। देखिए रिपोर्ट। हर हथियार तबाही लाता है और उसके नुकसान का एक पैमाना भी होता है। डायनामाइट, TNT या न्यूक्लियर हथियार की भी अपनी एक क्षमता होती है। इसी तरह केमिकल वेपन्स भी हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इनका असर एक पूरे इलाके और वहाँ रहने वाले लोगों को तबाह कर सकता है। इसीलिए केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर जंग में पाबंदी है, लेकिन फिर भी इनके इस्तेमाल के कई उदाहरण हैं जिसमें एक सीरिया भी है। गृह युद्ध के दौरान सीरिया की असद सरकार पर इन हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा था। आरोप लगा था कि राजधानी दमिश्क के पास घोटा में सीरियाई सेना ने 2013 में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2017 में खान शेखुन इलाके में सीरियाई सेना ने एक बार फिर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जिसमें 90 लोगों की मौत हो गई थी। रासायनिक हथियारों के ऐसे ही खतरे को समझते हुए 1997 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW का गठन हुआ जिसका काम रासायनिक हथियारों को खत्म करने की दिशा में काम करना है। ये संगठन UN के साथ मिलकर काम करता है। 192 देश इसके सदस्य हैं जिनमें सीरिया भी शामिल है। उसने अपने केमिकल हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की थी और उन्हें नष्ट भी किया था और प्रतिबद्धता जताई थी कि वो रासायनिक हथियार न तो तैयार करेगा और न ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जबकि सीरिया में एक बार फिर से विद्रोही गुटों ने असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो इन हथियारों की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। खबर है कि सीरिया के पास अब भी भारी मात्रा में केमिकल वेपन मौजूद हैं। इन हथियारों में मस्टर्ड गैस जैसे ब्लिस्टर एजेंट, सरीन और VX जैसे नर्व एजेंट शामिल हैं। सीरिया के पास हवाई बम, बैलिस्टिक मिसाइल और आर्टिलरी रॉकेट के जरिए इन हथियारों को गिराने की क्षमता है। रासायनिक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयंकर तबाही मचा देने की क्षमता रखने वाले हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सीरिया ने इन हथियारों को नष्ट करने का दावा किया था लेकिन OPCW के मुताबिक उसके पास अभी भी ये हथियार मौजूद हो सकते हैं। सीरिया में एक बार फिर से गृहयुद्ध जैसे हालात अगर बनते हैं तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल फिर से कर सकता है। इस आशंका ने दुनिया के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।